हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली पहुंचा रीट पेपर लीक विवाद, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हनुमान बेनीवाल ने उठाया मुद्दा, सीबीआई जांच की मांग। राजस्थान के रीट पेपर लीक मामले की गूंज सांसद तक पहुंच गई है। जयपुर ग्रामीण से भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में ये मामला उठाया है। हनुमान बेनीवाल ने परीक्षा रद्द कर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, तो वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में बहुत बड़ा भर्ती घोटाला हुआ है, रीट में भारी धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सामूहिक नकल की शिकायतें पुलिस और प्रशासन तक उम्मीदवारों ने पहुंचाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। रीट पेपर लीक मामले में भाजपा का विरोध थम नहीं रहा है। जयपुर में भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद अब युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर स्थित सरकारी बंगले और सीकर आवास की बाहरी दीवार पर नाथी का बाड़ा लिख दिया। दीवार के साथ साथ घर के बाहर लगे बोर्ड पर भी ये लिख गया है। ऐसा करने की सूचना मिलने पर पुलिस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर पहुंची। तब तक भाजयुमो कार्यकर्ता पुलिस की पकड़ से भाग गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा के निवास पर नाथी का बाड़ा लिखने के विवाद ने सियासी तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद जयपुर में प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर पुलिस तैनात हो गई है। पुलिस के नहीं हटने पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मौके पर तैनात एसीपी सोडाला भोपाल सिंह भाटी को पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर से पुलिस की गाड़ियां और जाब्ता हटाने को कहा, लेकिन पुलिस मौके पर डटी रही। भाजपा नेता राठौड़ ने कहा कि नाती बहुत दयालु और दानवीर महिला थी, ऐसा क्या गुना कत्ल या रेप हो गया जो पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर को मजाक बना दिया। उन्होंने कहा ये बीजेपी मुख्यालय है, नाथी का बाड़ा नहीं। वहीं मौके पर मौजूद एसीपी भोपाल सिंह भाटी को टोकते हुए कहा कि बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के पीछे पुलिस पाँच पाँच छह छह गाड़ियां क्यों दौड़ा रही है। पुलिस एसीपी भाटी ने बीजेपी नेताओं को टोकते हुए कहा कि आपने जो काम किया है वो ठीक नहीं है, पार्टी मुख्यालय के बाहर कोई नहीं रहेगा। इस पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आप तो नाती को जानते होंगे, इसमें गलत क्या है। राठौड़ ने कहा मेरे घर के आगे नाती का बाड़ा लिख दो, क्यों ये ऐसा कोई इशू है जिस पर राजस्थान की सारी पुलिस एक्टिव हो जाए। जागरूक टीवी की जयपुर से खास रिपोर्ट।